तो श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति के जितने मेंबर है मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो जिला परिषद वाईपुर सिंह भारत ब्लॉक के जो माननीय श्रीमती सीमा देवी जी जो जिला परिषद है उनको स्वागत करें और सम्मान करें ताकि ये जितने सारे सदस्य हैं युवा लोग हैं उन लोगों को हमेशा सहयोग करें। जिस तरह से 4 सालों से सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करते रहेंगे तो मैं सभी पूजा समिति के सदस्यगण से मैं आग्रह करता हूँ कि सम्मान अति शीघ्र करें क्योंकि अब हवन भी रंग होने वाला है अति शीघ्र क्योंकि पूजा समाप्त हो चुकी है और हवन होगी उसके बाद माता दुर्गा जी का आरती प्रारंभ होने वाली है। तो मैं जो गुनौर भाई जो स्थल है उसको पूजा को बैठते हैं और माननीय अध्यक्ष भी है वो तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अति शीघ्र जिला परिषद श्रीमती सीमा देवी जी का स्वागत करें। तो विलम्ब न करें क्योंकि अब हवन का कार्य आरंभ होने वाला है। मैं श्रीमती सीमा देवी जी जो पूर्व विधायक है मैं उनका स्वागत करता हूँ और अतिशीघ्र यहाँ आकर के वो अपना 2 शब्दों के साथ सभी भक्त लोगों को शुभकामना देना चाहते हैं। तो उनसे आग्रह है कि 2 शब्द आकर के सभी भक्तों को बोले और इस श्री श्री 108 पूजा समिति मैन कॉलिंग को अपना अभिनय करे। श्री 108 दुर्गा पूजा समिति मणिकौली के सदस्य एवं पूजा पंडाल में जितने हमारे माताओं हैं और भाई हैं इसी साल के भांति हर साल माँ जन्मजननी को बुलाते हैं और हम लोग का सहयोग इन लोगों के साथ रहेगा और मणिकौली पंचायत के जितने श्रद्धालुगण हैं सभी को सहयोग इनके साथ रहेगा। इससे पहले दुखद की बात थी कि हम लोग पांव पैदल चल कर माँ जगजननी को दर्शन करने के लिए सिंगारा भरवारा चल के जाते थे और माँ जगजननी को दर्शन करके आशीर्वाद लेते थे। अब बहुत खुशी की बात है कि माँ जगजननी हमारे गांव में हमारे घर में पधारे हैं और सारे श्रद्धालुगण से आग्रह निवेदन है कि माँ जगजननी के चरणों में आके अपना आशीर्वाद लें। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी तो जो श्रीमती सीला देवी जो पूर्व पार्षद है तो मैं अध्यक्ष महोदय गौरव भगत जी से मैं आग्रह करता हूँ उनको स्वर्ण के द्वारा सम्मानित करें पुण्य के भागी हूँ।
तो श्रीमती शीला देवी जो पूर्व जिला परिषद है सभी आए थे क्योंकि इसी पंचायत के निवासी है और जनता भी है, सेवक भी है और सदा इनका कहना है कि मैं सदा साथ हूँ सभी जनता का और करते ही और करते ही रहेंगे। मान लीजिए कोई अगर किसी त्रुटि बस नाराज होंगे तो उनसे वो क्षमा के लिए भी आग्रह करते हैं क्योंकि गलती तो मनुष्य ही होती है और मनुष्य ही सुधारते हैं इस चीज को। तो इसी शब्दों के साथ विराम देंगे क्योंकि अब हवन का कार्यकारी जो है माता का आरंभ होने वाली है, सामग्री सभी सब हो चुका है। तो श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति मिंटोली जितने सदस्यगण हैं सभी यहाँ उपस्थित हो और हवन में अपना योगदान दें और अभिषेक भी करें। हम भी सीखाएंगे।